गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंड अप फू. आज के इस वीडियो में मैं साइंस का चैप्टर फू का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ. तो बुक में जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव्स के, वो मैं आपको करवाऊंगी. ओके, तो पहले आप ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्वेश्चंस जो है वो बुक के किस पेज नंबर में है. तो 32, 35, 36 और 37 पेज नंबर में है. ओके, तो आइए पहले देखते हैं बुक का पेज नंबर 32, जिसमें कि क्विक क्विज हैं, वो ट्रू और फॉल्स हैं. फर्स्ट इज इन सॉलिड द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. यस, इट इज़ ट्रू. सेकंड, अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. नो, इट इज़ फॉल्स. अ लिक्विड टेक्स अप ऑल द स्पेस अवेलेबल. जितने भी स्पेस अवेलेबल होते हैं लिक्विड वो ले लेता है. नो, इट्स फॉल्स, वो गैस लेता है. Fourth, the particles of gases are always moving freely. Yes, true. Solids and liquids are together called fluids. No, it is false. वो liquids और gases मिलके fluids बनाते हैं. Okay. Now come to the book page number 35. That is all. Here objective questions are available. A, name the following. First, the process by which a solid changes to liquid. आप सबको पता भी होगा, होप कि आप सबने बना लिया होगा और आप इसे मैच कर रहे होंगे. आंसर इज मेल्टिंग. सेकंड, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग. मैंने पढ़ाया था आपको, सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्यूट. एंड सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस. और मैंने बताया था कि जो डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर में वो कहलाते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस. B, take the correct answer. In which two states are the particles packed loosely? तो इसका आंसर होगा लिक्विड एंड गैस. ठीक है, क्योंकि सॉलिड में तो क्लोजली पैक्ड होता है. Which state can be compressed or squared easily? Gas is the right answer. Which state does the diagram show? आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक डायग्राम है. ये कौन सा स्टेट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? सॉलिड दिखा रहा है, लिक्विड दिखा रहा है, गैस दिखा रहा है? तो आप देख सकते हो कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो ऑब्वियसली ये किस चीज़ का शो कर रहा है? सॉलिड का. फोर्थ, इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर मॉलिक्यूल्स मूविंग द स्लोएस्ट? आंसर इज ए, सॉलिड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज अ सॉलिड टू चेंज टू अ लिक्विड? दैट इज हीट. ओके, नाउ अब हमारा असाइनमेंट जो हमारे बुक के पेज नंबर 36 में है, तो इसमें आपको द करेक्ट आंसर भी मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग मिलेंगे और फिर इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे. तीनों चीज़ अवेलेबल हैं. तो फर्स्टली टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फ्लो. कौन सा फ्लो नहीं करता है? तो दैट इज सॉलिड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक अप ऑल द स्पेस अवेलेबल. सारा स्पेस ले लेता है. पानी क्या ले लेता है? ऑयल ले लेता है, वुल ले लेता है? नो, दैट द आंसर इज ऑक्सीजन, जो हमें ब्रीथिंग में मदद करता है. दैट इज अ गैस. थर्ड, द प्रोसेस बाई विच वाटर चेंजेस इनटू आइस इज कॉल्ड. पानी जो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है, किस प्रोसेस से? दैट आंसर इज फ्रीजिंग. नॉट मेल्टिंग, नॉट इवेपोरेशन, नॉट कंडेंसेशन. फोर, द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू गैसेस वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. Fifth, undissolved particles from water can be removed by the method of sedimentation. Okay, जितने भी undissolved particles होते हैं उसको sedimentation के process से अलग किया जाता है. अब आता है match the following. Never flows, ये किससे match होगा? Solid से. Has no shape, ये किससे match होगा? Liquid से. Gas to liquid, ये किससे match होगा? Condensation से. लिक्विड टू सॉलिड, ये किससे मैच होगा? फ्रीजिंग से. और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये किससे मैच होगा? सॉल्यूशंस. मैंने बताया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आया है. क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट इज लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर कॉल्ड. अभी मैंने पीछे भी बताया था और यहाँ भी ये क्वेश्चन आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स में. ठीक है, तो आंसर इज फ्लूइड्स. Second, a dash will occupy all space, all available space in a room. पूरा space का जो पूरा जो space होगा room में वो सारा ले लेगा. कौन है? Gas. Okay.
थर्ड, अ डैश विल ऑलवेज टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, कंटेनर का शेप हमेशा ले लेगा, अगर उसे जिस कंटेनर में डालेंगे वैसा हो जाएगा. सो द आंसर इज लिक्विड. ओके, नाउ फोर्थ, द सॉलिड सब्सटेंस दैट डिसअपीयर व्हेन मिक्स्ड विद अ लिक्विड इज कॉल्ड द सॉलिड सब्सटेंस, गायब हो जाएगा जब लिक्विड से मिक्स होगा तो दैट इज सॉल्यूट. फिफ्थ, द लिक्विड इन विच द सॉलिड इज मिक्स टू मेक अ सॉल्यूशन इज अ, जिस लिक्विड में सॉलिड मिक्स होते हैं सॉल्यूशन के लिए दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ओके, तो ये बुक के पेज नंबर 37 में था ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर. तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था इसमें मैंने चैप्टर 4 में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो आप बुक में बना सकते हो. और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे कि कॉपी में बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे लर्न कर लेंगे. ओके, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू.